ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट में बता सकते हैं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं और ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूं, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि माल 91 पर जॉब 91 क्या है। वहाँ पर इंडिया में आप किधर भी कोई भी स्टेट में कोई भी शहर में हो वहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। वहाँ से आप लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रोसेस के साथ मैं समझाने वाला हूँ और उसके साथ साथ मैं वहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा। पहले चलते हैं एप्लीकेशन पे। ये देखिए माल 91 है, ये माल 91 को ओपन करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ओपन हो जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को माल 91 अगर इस्तेमाल करते होंगे तो यहाँ पर पैसे कमाने के काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे मेरा नेटवर्क कार्ड है, यहाँ पर नेटवर्क बना के कमा सकते हो। उसके साथ स्क्रैच कार्ड डेली मिलता है, यहाँ पर स्क्रैच कार्ड भी आप लोग को डेली मिलता है एक, तो यहाँ पर स्केच करके भी पैसा कमाते हो डेली। एक स्केच मिलता है, यहाँ पर खोलिए 5 पैसे, देखिए 50 पैसे मिला है दोस्तों, देखिए 50 पैसे मिलता है। उसके साथ यहाँ पर लॉटरी भी आप लोग एक ऑप्शन आता है नीचे के साइड में, देखेंगे लॉटरी का ऑप्शन आता है। ये देखिए लॉटरी 91 है, लॉटरी 91 पे आप लोग नीचे के ऑप्शन में देखेंगे जीतने के लिए खेलने पर हरा कलर का आप लोग देखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वैसे ही आप लोग यहाँ पर आता है एम पॉइंट, देखिए मिले हैं यहाँ पर 9 एम पॉइंट मिले हैं, ठीक है। पे एम पॉइंट आप लोगों को 1 एम पॉइंट 1 रुपये के बराबर होता है, तो यहाँ पर एम पॉइंट का आप शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोगों को एम पॉइंट 9 एम पॉइंट है और 1 रुपये 63 पैसे। तो आप लोग आ जाता हूँ जॉब 91 के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग माल 91 इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसका मैंने लिंक डिस्कशन में डाल दिया, वहाँ पर आप लोग जाकर डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं वीडियो माल 91 पर, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वहाँ पर डिस्कशन में मैंने सभी का लिंक डाल दिया है। वन माल 91 क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ मैंने समझाया है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं जॉब 91 के, आप लोग अगर इस्तेमाल करते हो तो उसके बारे में आप लोग बता देता हूँ कि क्या है जॉब 91, यहाँ पर कैसे आप लोग इस पर जॉब ढूंढ सकते हो और कैसे पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर ऐप्स के ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए नीचे के साइड में ऐप्स ऑप्शन आता है। ऐप्स में जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं। तो यहाँ पर नीचे के साइड में आप लोगों को लिख के चलता हूँ, यहाँ पर होगा जॉब 91। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा और नौकरी, शिक्षा और नौकरी आती है यहाँ पर, देखिए एक ऑप्शन आता है, उसमें दो एप्लीकेशन दिए गए हैं, एक अंग्रेजी 91, एक आता है जॉब 91। तो यहाँ पर जॉब 91 पे आप लोग क्लिक करके इसके बारे में आप लोगों को समझाने वाला हूँ पूरा डिटेल के साथ। इसके पहले आप लोग बता देता हूँ, थोड़ा बैक कर ले, तो यहाँ पर देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, हज़ारों जॉब देखे एक क्लिक में, कंपनी से कनेक्ट करें। तो आप देख रहे हैं आप लोगों को कि पूरा प्रोसेस के साथ हिंदी में यहाँ पर पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाया जाता है यहाँ पर क्या है क्या नहीं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर की साइड में, आप लोग देखिए, तो यहाँ प्रोफाइल पे आप लोग क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे मेरी प्रोफाइल, उसके साथ यहाँ पर आप लोग नाम मांगेगा, आपका पूरा नाम क्या है, तो अपना नाम डाल दीजिए जो भी आपका पूरा नाम है। जैसे मेरा राजकुमार नाम है, राजकुमार कश्यप, तो मैं राजकुमार कश्यप अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोग जो आपका नाम है वो अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने 18 पे बनाए हैं ऑलरेडी वही दर्ज कर दीजिए, या आप दूसरा भी दर्ज कर सकते हो, मैंने वही दर्ज किया है। और यहाँ पर शहर आप लोग चुना होगा अपने माल 91 की, अगर प्रोफाइल कम्प्लीट की हुई तो वहाँ पर शहर जो चुना होगा वो शहर आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपकी आयु दर्ज करने, कितनी आयु है आपकी, तो मेरी जैसे 24 है तो मैं 24 आयु डाल दिया। पुरुष महिला अन्य कोई भी है तो लिंग अपना डाल दीजिए जो भी है पुरुष। उसके बाद यहाँ पर अगले पे क्लिक करेंगे, नीचे के साइड में आप लोग देखेंगे अगले पे क्लिक ऑप्शन आता है, यहाँ पर अगले पे क्लिक करेंगे, वैसे यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलता है। यहाँ पर देखेंगे योग्यता कौन सी है आपकी, 10वीं पास है या फिर फेल है या फिर 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, जैसे भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखिए अंग्रेजी कौशिक बोले, मतलब कैसी अंग्रेजी आप लोग बोलते हैं, नोट थोड़ी लिटिल स्पेलिंग बोलते हैं या फिर मोस्ट स्पेलिंग या फिर फ्लुएंटी स्पेसिंग, मतलब कैसी स्पेलिंग आप मीडियम बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, जैसी इंग्लिश है तो वैसी आप लोग से मैं लिटिल बोलता हूँ, मतलब
थोड़ी स्लो स्लो बोलता हूँ वैसे ही है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ, इतनी इंग्लिश नहीं आती है। उसके बाद यहाँ पर आई एम फ्रेशर एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेश हो या एक्सपीरियंस है किसी चीज़ के बारे में, तो वो डाल दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेशर डाल दीजिए आप लोग, या फिर 2 ईयर कितना एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर मांगते हैं। तो जैसे कि फ्रेशर डाल देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर अगला पिछला पेज आता है, वो अगला पिछला पेज में आप लोग चुन लीजिए जो भी चुनना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 ऑप्शन हैं, तो अगला पिछला पेज पे क्लिक करेंगे तो अब पीछे का बैक पे बैक हो जाएगा, अगले पेज पे क्लिक करेंगे तो आगे का पेज आएगा। जैसे मैं आप लोग दिखा देता हूँ, पिछले बैक पे क्लिक करिया मैंने, देखिए तो बैक हो गया है, जो अभी मैंने रिपोर्ट भरी थी वो आ गई है। उसे अगले पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलता है। अगले पे से क्लिक किया वैसे ही यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, आपकी नौकरी की भूमिका चुनने के लिए चरण 3 है ये। तो यहाँ पर नौकरी कैसी चाहिए आप लोगों को ये बताया गया है, अकाउंटेंट की, बॉक्स, या फिर कैसी नौकरी चाहिए, यहाँ पर कुक की, डिलीवरी की, या फिर ड्राइवर की, होटल की, एचआर की, कैसी नौकरी चाहिए सभी यहाँ पर आप लोग दिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दिखा देता हूँ, हाउसकीपिंग, टीचिंग, टेक्निकल, डिलीवरी, एक यहाँ पर डिलीवरी का ऑप्शन आता है, मैं डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर फिर से अगला पिछला मांगते हैं तो मैं अगले पे ही क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए वेतन के लिए चरण चुनें, अपना अंतिम आयु वेतन दर्ज करें, आप लोग कितना वेतन चाहिए, कितने तक का वेतन चाहिए यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के जैसे कि मैं 15,000 ज़्यादा नहीं डालता, 15,000 डालता हूँ। यहाँ पर जमा करें या फिर पिछला, यहाँ पर दिख रहा है आप लोग जमा हो गई मेरी प्रोफाइल, देखिए यहाँ पर प्रोफाइल मेरी कंप्लीट हो गई होगी, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। एक और ऑप्शन आता है, प्रोफाइल अप्लाई किए जाए रोज़गार, अभी तक कोई रोज़गार नहीं आया, मतलब किसी ने कांटेक्ट नहीं किया इस नंबर पर, वो आप लोग यहाँ पर दिख जाएगा, कोई भी आपको कांटेक्ट करेगा यहाँ पर आप लोग प्रोसेस पूरा दिख जाएगा डिटेल के साथ, यहाँ पर लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बैक हो लेता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पर आप लोग दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बैक ऑफिस अकाउंटेंट ब्यूटी नौकरियाँ, सड़ी नौकरियाँ काफ़ी सारे आप लोगों का दिख जाएगा यहाँ पर, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थानों की नौकरी न्यू दिल्ली, यहाँ पर स्थान दिख जाएंगे, आप लोग कोई भी स्थान चुन सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पे नौकरी चाहिए, जैसे लखनऊ में, पटना में, किधर भी नौकरी चाहिए वो शहर आप लोग चुन सकते हैं, स्थान चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कैसे काम करते हैं ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, हम कैसे काम करते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी प्रोफाइल चुनें, उसके बाद नौकरी के लिए आवेदन करें, उसके बाद इंटरव्यू में उपस्थित हों और नौकरी पाएं। देखिए 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद ये 4 स्टेप फॉलो कीजिए और अपनी नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल के साथ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें अकाउंटेंट का आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन, तो अकाउंटेंट पे कैसे अप्लाई कर सकते हो इसको मैं बता देता हूँ आप लोग। यहाँ पर देखिए अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए जो भी आपकी लोकेशन में या फिर एड्रेस पर है, सॉरी एड्रेस पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर खुद ऑटोमेटिक उन लोगों ने रिक्वायरमेंट किया है माल 91 पर, जॉब 91 पर, तो उन लोगों ने रिक्वायरमेंट की है यहाँ पर, उनको यहाँ पर सैलरी भी देख रही है दे रहे हो इतनी से इतनी। यहाँ पर देखिए मैंने 15,000 सैलरी वाली डाली थी, यहाँ पर देखिए 10 से 15,000 सैलरी मिल रही है यहाँ पर न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर डेट कितनी है, यहाँ पर देखिए इन्होंने पोस्टेड ऑन किया 6 फरवरी को इन्होंने डाला है, और एक्सपीरियंस इनका चाहिए 2 साल का, लेस देन 2 साल। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अकाउंटेंट के, यहाँ पर एक और पटना में दिया गया जॉब, यहाँ पर देखिए 11 लोगों ने देखा है अभी तक, यहाँ पर 8 से 11 10,000 रुपये सैलरी यहाँ पर, लेकिन फ्रेशर चाहिए यहाँ पर, देखिए फ्रेशर लड़का होगा चलेगा इनको। यहाँ पर देखिए डेट उन्होंने 6 फरवरी को डाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट हेड का नौकरी चाहिए, देखिए 47 लोगों ने देखा है, 13,000 से 15,000 नौकरी न्यू दिल्ली में है, इन्हें 5 फरवरी को डाला हुआ है, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। उसके बाद नीचे और काफ़ी सारे यहाँ पर देखेंगे जॉब के आते रहते हैं, यहाँ पर देखेंगे 95 लोगों ने देखा है, 55 लोगों ने देखा है इसको, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2,000 से लेके 3,000 तक है, सॉरी ये तो बहुत कम ही सैलरी दिया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 10,000 से 15,000 यहाँ पर न्यू दिल्ली में ही है। उसके बाद यहाँ पर इसको देख रहे हैं आप लोग, जयपुर में भी जॉब का दिया गया है, देखिए जयपुर लोकेशन दी गई है, करना चाहते हैं तो
कर सकते हैं। उसके बाद लखनऊ में दिया गया है, लखनऊ है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, पटना, जयपुर, पटना। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग बता देता हूँ, लखनऊ के ही एक प्रकार का पकड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट का है नौकरी, तो यहाँ पर आप लोग कैसे कर सकते हो इसके बारे में आप लोग बता देते हैं। जैसे कि देखिए इसके बारे में आप लोग बता देता हूँ इस पर कैसे अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए इस पर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही देखिए यहाँ पर पूरे डिटेल के साथ आप लोग दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए नौकरी की जानकारी, फुल टाइम जॉब है, उसके बाद नौकरी का समय देखिए 9 बजे से साढ़े नौ बजे से सुबह के 6:30 बजे तक टाइम है। मंडे से सैटरडे है, संडे को ऑफ रहेगा। इंटरव्यू का समय 11 AM से 4 AM दिया गया है। मंडे से सैटरडे तक इंटरव्यू आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए संस्था का नाम, ब्लॉक, उसके नौकरी का नाम, अकाउंटेंट पद का नाम, हाँ नौकरी का पता, एड्रेस है देखिए यहाँ पर, इंटरव्यू का पता, यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल के साथ जानकारी दी जाती है। यहाँ पर देखिए कॉल का ही ऑप्शन आता है, अप्लाई का भी ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर देखिए कॉल के द्वारा भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे और यू आर ग्रेजुएशन, यस आगे यस या नो बोल रहे हैं, ग्रेजुएशन हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आगे आगे पे क्लिक करोगे, यहाँ पर फिर से ड्यू एक्सपीरियंस बोलेगा, ये ड्यू एक्सपीरियंस बोल रहा है यस या नो, तो ऐसे मतलब जॉब इसके पहले जॉब किया है किधर भी ऐसा बोल रहा है वो। तो दोस्तों इससे अच्छा, सबसे अच्छा यहाँ पर HR को नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर कॉल कर दीजिए डायरेक्ट, उसको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा, कॉल करके जानकारी ले सकते हो आप पूरी। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। दोस्तों बैक हो लेता हूँ, थोड़ा और आप लोग जानकारी दे देता हूँ अकाउंटेंट के बारे में, जानकारी होगी। यहाँ पर देखिए जैसे कि ब्यूटी प्रोफेशनल इंजीनियर, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आते रहते हैं। यहाँ देखिए बैक ऑफिस, तो यहाँ पर देख रहे हैं बैक ऑफिस, तो यहाँ पर भी आप लोग देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आते रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इनका भी सेम इस्तेमाल करना है, इसे डाटा ऑपरेटर का है ये, देखिए डाटा ऑपरेटर, इसको भी जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे HR का नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, फ्रेशर देखिए यहाँ पर भी फ्रेशर मांग रहे हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ आप लोग देते हैं हिंदी में, वो भी देते हैं, कोई भी दिक्कत की वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ में नहीं आएगा, हरदम आप लोग समझ में पूरी डिटेल के समझ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अगर सर्च करके भी आप लोग देखना चाहते हो तो सर्च भी कर सकते हो, कोई भी कैसा जॉब चाहिए तो वैसे देखिए कैसा जॉब चाहिए वैसा पूरा डिटेल के साथ आप लोग यहाँ पर दिख जाएगा कैसा जॉब चाहिए। देखिए मैंने खाली ए ही डाला है तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो देखिए तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग काफ़ी सारे ऑप्शन आते रहते हैं, जो भी आप जॉब चाहिए वो सर्च करके भी आप लोग कर सकते हैं जॉब के लिए अप्लाई। तो दोस्तों और स्थान के बारे में दोस्तों थोड़ा बता देता हूँ आप लोग, जैसे न्यू दिल्ली है, लखनऊ है, लखनऊ आप लोग बता देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे स्थान दिए गए, काफ़ी सारे शहर दिए गए, तो लखनऊ के बारे में आप लोग बता देता हूँ। यहाँ पर लखनऊ में अगर आप लोगों को जो जॉब चाहिए तो यहाँ पर सर्च करके आप देख सकते हैं जॉब है या नहीं, आप लोग पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेनर के कौन कौन से जॉब चाहिए, मतलब लखनऊ से अप्लाई किए गए हैं, तो वो भी आप लोग दिख जाएगा। देखिए फ्रॉम डेस्क से रिपोर्टेड डाटा ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस, ऑनलाइन मार्केटिंग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ है अपना अपना कंपनी का बायोडाटा। यहाँ पर लोगों से कांटेक्ट करके आप लखनऊ में अगर जो भी आपका जॉब चाहिए यहाँ पर मिल जाता है तो अच्छा है, आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग मार्केटिंग, तो काफ़ी सारे दिए गए हैं, हाउस कीपिंग, रिसेप्शनिस्ट, टीचर, टेलर, हेल्पर, डाटा ऑपरेटर, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। डाटा ऑपरेटर 7,000 से लेके 20,000 रुपये तक, हेल्पर 3,000 से लेके 5,000 तक है, टीचर 4,000 से लेके 6,000 तक है। यहाँ पर आप लोग ये सर्च कर भी कर सकते हो, यहाँ पर देख भी सकते हो आप लोग स्थान भी को भी, जैसे लखनऊ हो गया या फिर न्यू दिल्ली हो गया, पटना हो गया, यहाँ पर कहीं पर रहते हो आप लोग तो डायरेक्ट वहीं पर जाके, हैदराबाद में रहते हो तो आप लोग डायरेक्ट सर्च करके, यहाँ पर जॉब एक भी नहीं यहाँ पर बोल रहा है हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में काफ़ी सारे होंगे। देखिए
देखी न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों देखा आपने ये कितना इजी है सब करना। उसके पहले आप लोग बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल पे ही आप लोग ऊपर की साइड में देखेंगे एक वीडियो का ऑप्शन आता है, देखिए प्लस का ऑप्शन दिख रहा है रुको, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक वीडियो प्ले होता है, ये वीडियो भी आप लोग देख सकते के समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए वीडियो पे क्लिक किया, यहाँ पर ये मॉल 91 पे जॉब 91। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉल 91 में। इस वीडियो में हम आपको जॉब 91 के बारे में बताने वाले हैं, जो है मॉल 91 की एक नई पेशकश। जॉब 91 के साथ आप अपने मनपसंद शहर में अपनी मनपसंद की नौकरी को ढूंढ सकते हैं। जॉब 91 से आप दो तरीके से नौकरियों की तलाश कर सकते हैं, पहला शहर के आधार पर और दूसरा श्रेणी के आधार पर। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर दिल्ली शहर को चुनती हूँ और इस तरीके से मुझे दिल्ली की सारी नौकरियाँ नजर आएंगी। किसी भी नौकरी के लिए मैं आवेदन दे सकती हूँ या HR से डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी भी नौकरी का आवेदन देना है तो मुझे उससे संबंधित कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर मेरे जवाब सही होते हैं तो मेरा आवेदन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मेरे द्वारा अप्लाई की गई जितनी भी सारी नौकरियां हैं उसकी जानकारी मुझे अपनी प्रोफाइल पर यहां नजर आएंगी। दूसरे तरीके से मैं श्रेणी के आधार पर भी नौकरियों का चुनाव कर सकती हूं और अपना आवेदन दे सकती हूं। इस तरीके से जॉब 91 के थ्रू आप अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं, पर इसके लिए अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीट करना ना भूले। आज ही जॉब 91 के साथ जुड़िए, क्योंकि जॉब 91 है भारत की सबसे बड़ी जॉब पोर्टल ऐप। नमस्कार। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने वीडियो, आप लोग भी यहाँ पर जॉब 91 पर इस्तेमाल करके जॉब ढूंढ सकते हो दोस्तों। अगर दोस्तों मॉल 91 एप्लीकेशन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल कर लिए, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन पैसे कमाने का आप लोग मिलता है, बहुत सारे दिए गए हैं आप लोग, अनलिमिटेड नहीं बोलूँगा आप लोगों को, काफ़ी सारे कम से कम सैकड़ों ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग यहाँ पैसे कमाने का। दोस्तों आप मॉल 91 एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाइए। यहाँ पर आप लोगों को मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।